तो हाय हाय सर टू स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। तो जी स्टूडेंट्स पान मैथमेटिक्स समझू पा जा रही है तो अज की क्लास में पान जो समझना से एक्सरसाइज 6.4 हले भी जो क्वेश्चन नंबर 6 समझ को क्वेश्चन नंबर 6 समझना से पान ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझन जिला रेडी आयो रेडी ना तो रेडी थी लो मतलब कॉपी एंड पेन पान संगत रखो कंसंट्रेशन सा समझने की कोशिश करो तो जरूर समझो हर प्रॉब्लम चल रहा है तो लेक्स की करे कंसंट्रेशन समझो कॉपी एंड पेन पान से कर रखो मतलब कॉपी एंड पेन जो मतलब ता पॉइंट्स नोट करना ठीक कंसंट्रेशन से रेड जो नहीं कर चाहो तो गौर से समझो तो हर शय ता के समझ में ठीक है। पेन पान से समझ सकते हो एंड समझने की कोशिश करो समझी सको सही अच्छे से समझो ना। क्वेश्चन नंबर 6 में छा तो ले और क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये एंड और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और एंड में आखिरी टर्म मिले है फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी माने जीपी ये एंड का फिफ्थ टर्म खबे तो माने ये फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म माने बैक के बता रहा हूं मैं थोड़ो मुझे आए चलो और फिफ्थ टर्म फाइंड करना फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी की फाइंड क्यों सिंपल है क्यों ना गौर से समझो खाता क्यों हाँ फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी खान चाहता तो फिफ्थ टर्म फाइंड क्यों तो पहले छा करना से हिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जेका मिले ला है जीपी 2 6 18 डॉट 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 4 3 7 एंड 4 मिले ला है एन में पान एन का फाइंड क्यों एन मींस नंबर ऑफ टर्म्स जो को पोजीशन बुधाए तो एंड क्या रूट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ फिफ्थ टर्म बचाए तो ठीक है पर असा एंड का फिफ्थ टर्म जो को है वो शुरू खा का नो बट टर्म एंड का जो फिफ्थ नंबर थे पियो स्टार्टिंग का क्या नंबर पोजीशन दियो हो मन वो एंड कैलकुलेट कर अच्छी की गास मन है मैंने पॉइंट सीक्वेंस से अगते का मन तय सीक्वेंस हिसाब सा असा एन फाइंड करदा तो वो एन जो को है स्टार्टिंग अगते जो फिफ्थ नंबर पोजीशन द चाहिए को ओहो कहने नंबर थे स्टार्टिंग का कहने नंबर थे एंड का ठीक है फिफ्थ नंबर थे आए स्टार्टिंग का कहने नंबर थे ठीक है अजो देखिए फाइंड करना वो फाइंड करना पर फार्मूला यूज करना से कह जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आ नंबर ऑफ टर्म्स और टी एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो फॉर्मूला अरे फॉर्मूला में वैल्यूज फाइंड आउट करना से वैल्यूज आए ए फर्स्ट टर्म जो को आए 2 डी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन माने साथ में कॉमन रेशियो फाइंड करना ठीक है आर इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आए 6 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आए 2 6 के 2 जो डबल लगे तो 3 टाइम्स ठीक एंड हिंदी प्रोग्रेशन लॉस्ट टर्म दे माने t and g वैल्यू जो का आएगा 4 3 7 एंड 4 लास्ट टर्म डे पे लास्ट टर्म आई गेस समझ में ठीक है तो ही डेटा मिले ले पा गिवन प्रोग्रेशन में पानी डेटा के कट है हां इन्हें के सब्स्टिट्यूट करना से फार्मूला भी एंड सिंपलीफाई करना सॉल्व करना समझो ना पा एंड सो फार्मूला जो t and g जगह 4 3 7 एंड 4 नाउ इक्वल टू a जी जगह ए जी वैल्यू जी 2 ए समेटर देखो आर आर जगह जो 3 पावर एन माइनस टू 1 जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाए ठीक हां छात्र से पढ़ के एन का में डाटा प्रॉब्लम को आया क्या एन का पता कर सो एन पावर में मौजूद आए तो एन जे नंबर जो का पावर में सागो नंबर पान के इनसाइड से मैनेज करना पड़ेगा इनसाइड तो नंबर आज आन नंबर की आंदा से टाइम से नंबर जब आप फैक्टर्स करना है 4 3 7 4 जा फैक्टर कर बा 4 3 7 एंड 4 नंबर आए इन फैक्टर्स पार करना 2 जो टेबल लगी सके तो छा के कर यूनिट डिजिट जो 4 इवन नंबर आते एक नंबर आते भी 2 जो टेबल में आओ लग लो 2 टाइम 3 के 1 टाइम लगो 1 बचो 17 के 8 टाइम लगो ठीक 16 1 बचो तो 14 14 के लगो 7 टाइम हाँ लेकिन 3 जो टेबल अनि सबको क्या 3 7 था 21 8 के लगो तो 2 2 6 बाकी बचे 2 27 27 के लगो 9 10 3 7
9 जा 27 3 जो टाइम लगे तो 2 टाइम 1 बस 2 4 टाइम लगो 3 जा 9 तो वरी 3 जो टाइम लगे वो 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 जो टाइम लगे तो 2 टाइम 2 बचता 21 के लगो 7 टाइम 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3 हिसाब तो हम फैक्टर से क्लियर है इसमें ठीक अरे ये लेकर लिखवा 2 मल्टीप्लाई कर 3 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम 3 है अगला दफा 7 टाइम 3 है 3 3 3 3 3 एंड 3 1 2 3 4 5 6 7 टाइम अच्छे ठीक मैंने है ना वाले फैक्टर किया इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये मतलब पावर एंड माइनस 1 ही सेम है राइट हैंड साइड की उतर हो एग्जैक्टली सेम है जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के नंबर जगह पे पान फैक्टर्स लिखा है एक्चुअली 2 अचीव इनटू 3 2 के लाइन 3 मल्टीप्लाई देखो एक और दफा लिखी करें टोटल 3 7 टाइम है पावर 7 लिख लो ठीक जो कंप्रेस कर सकते लिखी सको मल्टीप्लाई नंबर आए वो सिंगल टाइम बेस लिखी करें घना दफा वो नंबर आए जितना दफा आए उतना नंबर उन जी पावर में डिजिट लिखी इसी का सूत्र 2 होना जो को मल्टीप्लाई करो हिस्सा दिखाई जो 2 अचीव हो डिवाइड में बाकी को जो 3 पावर n माइनस 1 जो पण के n का पे तो 10 और 3 बाजार कौन को तो आ सकता है 2 मल्टीप्लाई करो अचीव ठीक और 2 2 में जो डिवाइड बाकी को जो 3 पावर 7 n साइड में पूछा था इसी का सूत्र 3 पावर n माइनस 1 कैंसिलेशन का पाव हां बेस ने भी साइड कैंसिल कियो तब आगे 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 पावर लाई आई विच n सम ही 1 माइनस 2 इन साइड डिफरेंट आ सकते 2 प्लस 2 इज इक्वल टू n सो n इज इक्वल टू 7 में 1 प्लस करना से 8 आएगा समझ में ठीक n की वैल्यू एंड सो n की वैल्यू पाड़ के चाहे कौन तो को मालूम पे ये छाने करे पर पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट कर लेला हने तीन लोकेशन फाइंड करना फाइंड है सो सो जी सो हाने पान के खबर छा पई n = 8 n जो मतलब यो है त ही जे को पान जे के लास्ट टर्म खणो आए यो कहरो नंबर टर्म आए जे के लास्ट टर्म पान खणो पया यो कहरो टर्म आए तो यो लास्ट टर्म जो खणो आए यो 8 टर्म आए गिवन प्रोग्रेशन के हिसाब सा त सो छा पयो क्या पोजीशन एंड हेट लिखा पयो टर्म्स ठीक पोजीशन नंबर 1 1 पोजीशन दे 2 आए सेकंड पोजीशन दे 6 आए थर्ड पोजीशन दे 18 आए पोजीशन नंबर 4 5 6 7 एंड 8 8th पोजीशन जो को नंबर है 4 3 एंड 7 4 जो को इन प्रोग्रेशन में पार्टी टर्म ले लाए लॉस्ट टर्म तो ही लॉस्ट टर्म जो को हेड प्रोग्रेस हो जाए वो एक्चुअली for 8th term आए वो एक्चुअली 8th term आए ठीक तो हर एक पार्ट डिसाइड करना से इन जी एंड का हिता का 5th term करो चलो 1 2 3 4 ही है ठीक है हिता काउंट को 1 लीजियो 2 3 4 एंड 5 5th term लीजियो स्टार्ट इज काउंट को 1 2 3 4 एंड 5 तो माना फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी एम जो देखो 5th term 5th term From end. अरे क्या सोच रहा है? यो पर end find करना, यो पर तो find हो, end find करो सो कैसा की खबर पे जी गई, जो को progress जो last term पर की date हो, वो 8th term है। हाँ ना उन 8th term के हिसाब से पंजो number term पर के locate करना आसान थी हो रही। हाँ पंजो number term end का count करना कहाँ count करना चाहिए? 1, 2, 3, 4 and 5. माना फिफ्थ टर्म जो को रिक्वायर्ड आया जो को पान लिखा पे वो ही टर्म आया क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग का क्या थलो स्टार्टिंग का वो फोर्थ टर्म थलो एंड का वो कट टर्म थलो एंड का वो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड का वो फिफ्थ टर्म थलो आई का समझ बाने क्लियर आए ठीक हने के पान सॉल्व करना हने के पान समझूंगा एंड सॉल्व करो था ठीक है हने सॉल्व की कयो ही जा समझवाई ताकि पोजीशंस एंड लोकेशंस को लिखवा लियो एंड जो मतलब लॉस्ट टर्म ओ कैरी पोजीशन 8th पोजीशन पे
हाँ एट क्वेश्चन है उनका नाम बैक का अकाउंट के पंजो नंबर ट्रम जो खपे तो बैक का पोया ना वो कहो है वो काउंटिंग पे फोर्थ दे जी लाइन बीटी है फिफ्थ ट्रम ही हुआ है फ्रॉम द एंड एंड का फिफ्थ ट्रम ही है तो स्टार्टिंग का यो फोर्थ ट्रम है फार्मूला यूज करना से है सो एंड सो नाउ वी फाइंड फिफ्थ ट्रम फ्रॉम the end of GP check from the end of GP so term find the TN is equals to AR power N minus 1 formula check so T N G jagat the term kya ho gaya 4 fourth term is the fifth term from the end of GP that is formula is equals to A first term power 2 I check कॉमन रेशियो पार्ट के 3 मिलियो होल पावर n की जगह पे 4 माइनस 1 कॉमन रेशियो साधो जो कौन को है समझियो है सेम है सो जीका सो 2 3 जो बता 4 मा 3 में बाकी बचो 3 सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो बता 3 जो मतलब 3 के 3 टाइम का वो मल्टीप्लाई सो t4 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा 18 के 3 सा के साथ मल्टीप्लाई जो 54 तो ही है पावर 54 is the fifth term from the end of GP. यानी कि जैसा बोला fourth term of this GP या from the end of GP fifth term. Clear आए? आए कैसे मतलब ना क्या है? ठीक है? तबरी थोड़ो revise क्या करो? पहले पाना जब कोने GP जो last term दे पियो आखिरी term नहीं दे पियो. तो उन term की पान position बोली से उस term given GP के हिसाब से कैसे number position दे पियो है? Eighth term position दे हाँ अरे एट ट्रम थे वो ट्रम आए तब पर पान के एंड का पंचो नंबर ट्रम फाइंड करना है तब काउंट करना है बैक थे वन ही है टू थ्री फोर फिफ्थ फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी फिफ्थ ट्रम तो वो तो फोर्थ ट्रम फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ जीपी ठीक है जस्ट समझन का तो ताकि लोग इट कर देखा तो क्यों था बहुत असल में पान सब कैसे बोले क्लियर है स्टूडेंट्स आई गाल समझ में ठीक है आगे प्रैक्टिस ना करो गौर से समझो कंसंट्रेशन से एक दफा बद दफा तो जी से समझ सको सही है स्टूडेंट्स तबान ताले फट से तो YouTube चैनल के सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और साथ का अगर बेल आइकन के प्रेस करे ऑल जो बटन के प्रेस कर दो तो हर वीडियो तो आके नोटिफिकेशन मिल दो एता वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझ लो सीख लो कवर कर सको सही स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़